आगरा में शहीदी गुरुपुर्व पर मीठी छबील के साथ बहेगी कीर्तन की प्रबल धारा। शहीदों के सरताज पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी जिनका की शहीदी गुरुपूर्व 3 जून को पूरे देश विदेश में श्रद्धापूर्ण वातावरण से बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आगरा में केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय संस्था श्री गुरु सिंह सभा मईनाथ के तत्वाधान में प्रातः 5:30 से अपराध 3 बजे तक मनाया जाएगा, जिसमें सिंह साहिब ज्ञानी बलविंदर सिंह जी ग्रंथी सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर भाई अमनदीप सिंह हजूरी रागी श्री दरबार साहिब ज्ञानी मंजिंदर सिंह मौजी ढाड़ी तथा लखीमपुर खीरी विशेष रूप से भाग लेंगे। हेड ग्रंथी ज्ञानी कुलविंदर सिंह ने बताया कि इस अवसर पर संगत के लिए मीठे जल की छबील लगाई जाएगी, जिसकी शुरुआत तीसरे गुरु अमरदास जी के समय हुई। जब दूर दूर संगत उनके दर्शन के लिए पहुंची थी, तब गुड़ की छबील की शुरुआत हुई। सिख पंथ के महान कथावाचक सिंह साहब ज्ञानी बलविंदर सिंह जी ग्रंथी सचखंड श्री हरिमंदर साहब अमृतसर रागी भाई अमनदीप सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब अमृतसर ढाडी जत्थे कविश्री जत्थे और प्रचारक कीर्तनी जत्थे बेंत संतों के दर्शन आके करेंगे और गुरु की खुशियां प्राप्त करेंगे। गुरु अर्जुन देव जी की शहादत का सबसे बड़ा जो मुख्य कारण था वो गुरु अर्जुन देव जी के समय में जो सिख धर्म का प्रचार बहुत बढ़ चुका था, मसंद जो थे जगह जगह मसंद थे, प्रचारक से अर्थ है मसंद का, भारत के समस्त कोने कोने से जाके सिख धर्म का प्रचार करते थे और गुरु घर के प्रति जो उनकी श्रद्धा संतों की होती थी माया गुरु रामदास जी के लंगर के लिए लंगर रसद को लाके दिया करते थे और बहुत प्यासी संगतें आती थी जो वहाँ पर जो है ठंडा जल भी छका करती थी। आज उसको कन्वर्ट करके जो मीठी जल की छबील में बदल दिया गया जो ये मनमत का प्रतीक है। गुरु साहब का जो बढ़ता हुआ धर्म जिसमें मुसलमान और हिंदू धर्म ज़्यादा बढ़ रहे थे अकबर तक वो ठीक चलता रहा क्योंकि उनका दीने इलाही जो धर्म अकबर ने चलाया वो मुसलमान धर्म के लिए था, जिसमें सिख धर्म का भी बहुत बड़ा प्रचार हुआ। लेकिन गुरु अर्जन देव जी ने जो ग्रंथ बनाया पंथ का प्रचार हुआ, सिक्खी सबसे ज़्यादा प्रसन्नित हुई, वाणी का प्रचार हुआ, मसंदपना बढ़ा, जिससे मुगल जो है मुसलमान धर्म को भी बहुत बड़ा इससे धक्का लगा और मुसलमान बहुत ज़्यादा कन्वर्ट होके सिख धर्म में भी उस समय आ रहे थे। जो कट्टर बादशाह जहांगीर उस समय था अकबर के बाद, वो नहीं चाहता था कि कोई भी केंद्र मुगल मुसलमानों के अलावा और कोई बने और अमृतसर में जो केंद्र बना ये सबसे बड़ा जो है गुरु अर्जन देव जी के लिए शहादत का कारण बना। मैं ज्ञानी कुलविंदर सिंह हेड ग्रंथी श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा माई थान। आज हम लोगों ने जो सिख इतिहास की लशानी शहादत है शहीदों के सरताज साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज सच्चे पातशाह जिनका शहीदी दिवस 3 जून को आ रहा है, जो कि ऑल वर्ल्ड में सिख संगतें भावना के साथ गुरु जी की शहादत को नमन करेंगी, इसी कड़ी में केंद्रीय संस्था श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा माई थान साहिब 3 जून दिन शुक्रवार सवेरे 5:30 बजे से 3 बजे तक गुरुद्वारा माई थान साहिब में कीर्तन दरबार सजाएंगे, जिसमें हमारे पास विशेष तौर से पहली बार आगरे में आ रहे हैं भाई अमनदीप सिंह जी हजूरी रागी दरबार साहिब सिंह साहिब ज्ञानी बलविंदर सिंह जी ग्रंथी सचखंड श्री दरबार साहिब ज्ञानी मनजिंदर सिंह जी मौजी ढाडी जथा लखीमपुर खीरी वाले, इनके अतिरिक्त वीर महेंद्र पाल सिंह जी अखंड सुखमनी सेवा सभा आगरा अखंड कीर्तनी जथा आगरा भाई हरजोत सिंह जी गुरुद्वारा मिठा खूह वाले विशेष तौर से संगतों के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। संगतों से विशेष करके निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँच के गुरु जी की शहादत को नमन करके अपना अपना जीवन सफला करें। खाने पीने के स्टॉल, गुरु के लंगर, ठंडे मीठे जल की छबीलें और शाम का जो कीर्तन दरबार है वो हर साल की तरह इस साल भी गुरुद्वारा कलगीधर सदर बाजार में
मनाया जाएगा, जिसमें भाई जगदीप सिंह, भाई अमनदीप सिंह जी हजूरी रागी दरबार साहब हाजिरी भरेंगे और गुरुद्वारा माही थान की जो पार्किंग है वो बीपी ऑयल मिल में की जाएगी। वाहेगुरु जी का खालसा। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी, जिनका भी शहीदी दिवस 3 जून को देश विदेश में श्रद्धापूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में श्री गुरु सिख सभा केंद्रीय संस्था आगरा की में केंद्रीय तौर पर सुबह 5:30 बजे से लेकर और 3 बजे तक ये आयोजन किया जाएगा। मौके गुरु अर्जन देव जी पहले सिख थे जिन्होंने कि अपनी शहादत दी थी और जहांगीर मुगल बादशाह जहांगीर के आदेश पर चंदू दीवान ने वे इस इतनी भयंकर गर्मी में तपती तपी पे बैठाकर और रेत डालकर उनको शहादत कराई थी और ऐसे गुरु के कारण इन्हें शहीदों का सरताज कहा जाता है और उसी में ये आयोजन 3 जून को पूरे देश विदेश में मनाया।